बुधवार रात मालदा डिवीजन के नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की रेलवे ट्रैक पर बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक के बीच में वायर से कनेक्ट कर बम को प्लांट कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलते ही सीनियर एसपी नताशा गुड़िया, एएसपी पूरन झा समेत रेलवे के अधिकारी एसएसबी जवानों के साथ पहुंचे और दोनों दिशाओं से आ रही 4 ट्रेनों को जगह जगह रोक दिया। काफी देर तक जाँच पड़ताल के बाद एसएसबी के जवानों ने बम की जाँच करने की बात कह और बम को पहले पत्थर से और फिर बांस से मारकर जाँच की। फिर जब बम नहीं फटा तो उसे नकली करार देते हुए हाथों में उठा लिया। इसके बाद बीएमपी 9 की टीम ने वहां पहुंचकर बम को असली करार देते हुए डिफ्यूज किया। 3 घंटे बाद से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि सुपर एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी, लेकिन बीएमपी 9 की टीम की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। इस मामले अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।